हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। ये जहाँ भी प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट में होगा वहाँ वहाँ डिफेंस मैकेनिज्म ज़रूर होगा। पहली बात तो आप लोगों से क्या बात बोलते हैं ना, काफ़ी टाइम के बाद में मुलाकात हो रही है, काफ़ी टाइम के बाद में आपके सामने आ रही हूँ, क्योंकि बच्चों कुछ ना कुछ लाइफ में अप एंड डाउन होता है, कुछ ना कुछ ऐसा शेड्यूल बिजी आ गया था कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी, क्योंकि ऑफलाइन ने थोड़ा सा इंगेज कर दिया था। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम के साथ में आपके साथ में काम मुझे करना ही करना है। तो बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए डिलाइट बॉटनी क्लासेस को, क्योंकि आपका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। और रही बात सपोर्ट की, तो आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, ऐसे ही अपना सहयोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए फटाफट हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके करीब में ही है। डिफेंस किसे कहते हैं? डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, बचाव। जैसे हमारी बॉडी में है, हम लोग किसी डिजीज से सफ़र करते हैं, कोई डिजीज से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी पहले ट्रीटमेंट से पहले ही उससे बचने के तरीके ढूंढती है। ठीक है, तो उसी जो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म चलने लगती है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसे ही मैकेनिज्म प्लांट्स के अंदर भी चलती है। ये किसकी मैकेनिज्म हो जाएगी? प्लांट्स की डिफेंस मैकेनिज्म। दो बातें होती हैं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी डिजीज से संक्रमित होते हैं तो या तो जस्ट हमारी बॉडी में मैकेनिज्म शुरू हो जाती है, जस्ट बॉडी हमारी बचना चाहती है, जैसे कि आपने इम्यूनिटी सुना होगा, रोग प्रतिरोग, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इम्यूनिटी, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो रहा है, आप देख लीजिएगा। इम्यूनिटी तो सारे लोग जानते ही हैं। तो बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है वो डिजीज होने से पहले से सबकी बॉडी में होती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो टॉपिक में देखिए जरा सा कि क्या है। व्हेन पैरासाइट इन्फेक्ट ऑन होस्ट देन अ मैकेनिज्म स्टार्ट्स इनसाइड होस्ट नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। जब पैरासाइट किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट के अंदर एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, एक तो होती है कि होस्ट के अंदर तब स्टार्ट होती है जब पैरासाइट एक्ट करता है, एक ऑलरेडी होती है, उस आधार पे भी डिफेंस मैकेनिज्म को डिवाइड किया गया है। दूसरी बात यह है कि डिफेंस मैकेनिज्म दो तरीके से होती है, या तो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए या फिर केमिकल में चेंजेस हो जाए। देखिए अब हम यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म को कैटेगरी में डिवाइड किए दे रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल को ही बोलते हैं फिजिकल, इज इट क्लियर। दूसरी होती है, अच्छा ये उसमें प्लांट्स में है तो इसको हाँ फिजिकल ही बोलेंगे। उसके बाद में दूसरी होती है बायोकेमिकल, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। तो प्लांट्स में इन्फेक्शन से बचने के लिए जो तरीके होते हैं या तो स्ट्रक्चरल होंगे या केमिकल होंगे, तो वो इसी आधार पे जो होस्ट और डिफेंस है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, और एक होता है केमिकल मतलब कुछ केमिकल ऐसे बन जाए जिससे होस्ट अपने आप को डिजीज होने से बचा सके। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल की। देखिए स्ट्रक्चरल को फिजिकल, इसलिए स्ट्रक्चर का मतलब शरीर में कोई ना कोई चेंजेस हुए, और शरीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक, तो ये तो हो गया फिजिकल और ये हो गया फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब यही होता है ना कुछ बनना केमिकल्स को, तो उसको हम क्या जिसके अंतर्गत शामिल करते हैं फिजियोलॉजी के। स्ट्रक्चरल दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है प्री एग्जिस्टिंग और एक होता है पोस्ट एग्जिस्टिंग, एक होता है प्री एग्जिस्टिंग और एक होता है पोस्ट एग्जिस्टिंग। देखिए प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है कि बीमारी हो या ना हो, पैरासाइट आए या ना आए, लेकिन प्लांट्स के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमेशा होते हैं जो उसको डिजीज से बचाते हैं।
इज इट क्लियर? जैसे कि आपने नेचर में प्लांट्स को देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के ऊपर हल्के हल्के से हेयर्स होते हैं और अगर वो हेयर्स हमारे स्किन को टच कर जाएं तो हमको खुजली सी मचती है, उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम। प्री एग्जिस्टिंग में बहुत से पॉइंट आ जाएंगे, एक हो जाएगा ट्राइकोम जो प्लांट्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। ट्राइकोम किसे कहते हैं? ऐसे हेयर्स जो एलर्जी कॉज करते हैं, जो इरिटेशन कॉज करते हैं प्लांट्स पे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। दूसरा हो जाएगा पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ स्टोमेटा। आप जानते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा प्लांट्स में सांस लेने के लिए जो होल्स होते हैं ना, पोर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं वात्र रंध्र, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये ज्यादातर पत्ती के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली स्टोमेटा पत्ती की अपर सरफेस पे ना होके लोअर सरफेस पे होते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी इंसेक्ट वेक्टर आता है तो वो ज्यादातर कहाँ बैठता है? पत्ती की अपर सरफेस पे। तो प्लांट्स में ऑलरेडी स्टोमेटा का लोकेशन एंड पोजीशन इस तरीके से होता है कि कम से कम उनको डिजीज हो पाए, कम से कम पैरासाइट उनके अंदर प्रवेश कर जाए, क्योंकि बहुत से पैरासाइट जो है वो स्टोमेटा के द्वारा ही अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया क्यूटिकल वॉटी, थिक क्यूटिकल। देखिए बच्चों, जो प्लांट्स ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ पे डिजीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल क्या होती है? एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। वो मोटी हो जाती है, उसकी मोटी होने के कारण प्लांट्स में रोग होने के खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो तीन चार और पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो टेलीग्राम पे हम नोट्स डालेंगे उसमें सब मिल जाएगा A to Z, बस आप समझ लो। तो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी प्लांट्स के ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो हमेशा होते हैं, चाहे डिजीज हो या ना हो। और वो किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का। इंसान प्री एग्जिस्टिंग बताएंगे आप कोई भी चीज़ जो हमें रोगों से बचाती है? बहुत से हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल आप देखिए, जो हमारी नोजल हेयर्स होते हैं, नोज के अंदर हेयर्स, और उनमें थोड़ा सा म्यूसिलेज होता है, वो हमारा प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस ही है, क्योंकि सांस लेते हैं और सांस के द्वारा हम बहुत से बैक्टीरिया भी ले लेंगे, तो नोजल जो हेयर्स में म्यूसिलेज होता है वो बैक्टीरिया उसी में चिपक जाते हैं, क्लियर, और हम उन बैक्टीरिया को अंदर नहीं ले पाएंगे। या फिर सलाइवा, मुंह में जो सलाइवा है वो भी प्री एग्जिस्टिंग में आ जाएगा, वो भी एक इम्यूनिटी, वो रोगों से बचाता है। कैसे? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ये आपके जहाँ जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ ये आना आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियोफेज में होता है ये लाइसोजाइम। एंजाइम हमारे लार में भी पाया जाता है, उसका काम होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को काट देना। तो लार जो है, हम खाना खाते हैं तो लार के द्वारा खाने में जो हम पैरासाइट, जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे, तो लार जो है उनको किल करने में मदद करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट एग्जिस्टिंग की। बच्चों, पोस्ट एग्जिस्टिंग भी कई प्रकार का होता है। पोस्ट का मतलब, अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं पैसिव और इसको बोलते हैं एक्टिव। पोस्ट एग्जिस्टिंग को एक्टिव इसलिए बोलते हैं कि पैरासाइट आया, अंदर आ गया, उसके बाद कुछ मैकेनिज्म डेवलप हुई, उसका मतलब क्या है? पोस्ट एग्जिस्टिंग। और इसी को एक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैरासाइट आया तो होस्ट ने उसके अगेंस्ट एक्ट किया, इसलिए इसको क्या बोली? एक्टिव। इसमें पहला हो गया कॉर्क फॉर्मेशन। आपको मैं कॉर्क फॉर्मेशन के लिए, मैंने हाथ में पत्ती को पकड़ रखा है, आप ये पत्ती को देख रहे हैं, मान लिया इसकी टिप पे वो आया, पैरासाइट आया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, तो पता है क्या है कि इसने जो है एक लेयर्स बना ली और वहां पर वो क्या कहेंगे, सेपरेट कर दिया खुद को उस पैरासाइट से, और उतने टिश्यूज भी मर गए, इसके खुद के टिश्यूज भी मरे हैं, लेकिन पैरासाइट इतने में ही बंद रह गया, इसको बोलते हैं कॉर्क फॉर्मेशन। आपको अभी बताते हैं, देखिए ऐसी पत्तियां आपने बहुत ज्यादा देखी होंगी और बाद में यहां से ये जो है आफ्टर सम टाइम ये टूट के अलग हो जाएगा, ये तो इन्फेक्टेड पार्ट अलग हो गया, रिमेनिंग लीफ सेफ रहेगी। तो ये तरीका वही वाला है, जैसे कि पैर में इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा सीवियर, तो डॉक्टर क्या करता है, पैर को काट देता है कि पूरा पैर बचा रहे,
तो कॉर्क फॉर्मेशन ऐसा ही है। देखिए क्या होता है कॉर्क फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ये एपिडर्मिस है, आपको डायग्राम नोट्स में बना भी मिलेगा, और ये अंदर के सेल्स हैं, ये होस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कोई पैरासाइट आ गया, माइसीलियम आ गया, कोई फंजाई आ गया, इसने खाना खाना शुरू कर दिया। तो इस होस्ट ने क्या किया, एक मोटी सी लेयर्स बना ली, इतनी, कहते हैं ना जैसे चीन की दीवार, ऐसे ये वूडी लेयर, वूडी सेल्स की लेयर्स बना ली कि इतने को ही आप खा पी लो और अंदर ना आने पाए। इस लेयर को ही क्या बोलते हैं, कॉर्क। इस लेयर को ही क्या बोलते हैं, कॉर्क। इज इट क्लियर? कॉर्क इसलिए बोलते हैं, जो लेयर बनती, अभी हमने आपको जो पत्ती दिखाई थी उसमें ब्राउन कलर की भाग था, तो जो लेयर्स होती है वो वुड जैसी, वुडी सेल्स जैसी दिखती है और डेड होती है, इसलिए उस लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद में एक है टाइमोसिस, टाइमोसिस, और एक है गम, गम डिपोजिशन, गम डिपोजिशन, ठीक है। टाइलोसिस क्या होता है, टाइलोसिस आपको हम बताते हैं, इधर यहां पे बता रहे हैं। देखिए हम जानते हैं जाइलम के वेसल द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है, आप जानते हो जाइलम ही पौधों में पानी को ऊपर चढ़ाता है, क्लियर। अगर कोई पैरासाइट यहाँ पे उसी वेसल में आ जाए और पानी के द्वारा ऊपर पहुंचे, हम फंजाई का माइसीलियम बना रहे हैं, यहाँ फंजाई का माइसीलियम बना रहे हैं और ये पैरासाइट ऊपर आना चाह रहा है, ये पानी के द्वारा, पानी के द्वारा जब चढ़ना चाहेगा तो पड़ोस वाले जाइलम, जो आप जानते हो जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं, कितने, चार कंपोनेंट, वेसल, पैरेन्काइमा, ट्रकीड और फाइबर। तो जो पैरेन्काइमा पड़ोस में लगा होता है ये अंदर पिट्स के द्वारा अंदर आ जाता है और गुब्बारे की तरह फूल जाता है, तो पड़ोस वाले पैरेन्काइमा ही क्या करते हैं, वेसल के अंदर आके बैलून लाइक फूल जाते हैं। इन फूली हुई संरचना को ही क्या बोलते हैं, हम टाइलोसिस। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पैथोजन है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, क्लियर। उसका जो क्या बोले, ट्रांसपोर्ट पानी के द्वारा जाना था, पूरे पौधे में जाना था इसको, तो यहाँ टाइलोसिस के द्वारा ये यहीं पे रुक जाएगा, डन। गम डिपोजिशन की बात करते हैं, गम डिपोजिशन क्या होता है, गोंद जानते हैं, बबूल का पेड़ देखा है, अगर आप बबूल के पेड़ में आप ऐसे करके ऐसे कोई भी चीज मार दें, कोई सख्त चीज कोई, तो उसमें आप जख्म हो जाएगा, कट लग जाएगा और तुरंत वहां से क्या निकलने लगेगा, गोंद निकलता है। तो कुछ प्लांट्स में पैथोजन के अगेंस्ट वो गोंद का सिक्रीशन करते हैं, आप बताओ गोंद के अंदर पैथोजन सर्वाइव कर पाएगा, नहीं, क्योंकि गोंद में उसको ना रेस्पिरेशन, मतलब ना वो सांस ले सकेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो जीवित ही, उनको सांस भी चाहिए, उनको फूड भी चाहिए, तो गोंद वो डिपॉजिट कर देते हैं जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और आगे का, आगे जो इन्फेक्शन फैलना होता है वो वहीं पे रुक जाता है। ये तो सारी चीजें हो गई, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल की। बायोकेमिकल में बेटा कोई भी डायग्राम नहीं है बच्चों, बायोकेमिकल बस कुछ पॉइंट्स ही हैं, आप समझ ही गए। बायोकेमिकल में होस्ट के अंदर कुछ केमिकल ऐसे सेक्रेट हो जाते हैं कि वो उसकी अपनी खुद की रक्षा कर सके, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल। एक तो इसका रिजल्ट होगा हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, और एक होगा फाइटोएलेक्सेन, फाइटोएलेक्सेन। देखिए कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करते हैं, कुछ और केमिकल्स रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से फाइटोएलेक्सेन भी एक केमिकल कंपाउंड है जो बहुत से प्लांट्स में, उनको बहुत से प्लांट्स के अंदर सिक्रीट होता है और उनको पैरासाइट या पैथोजन से रक्षा देता है, ठीक है। तो ये फाइटो जो एलेक्सेन है, इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, मैं शॉर्ट नोट का भी नोट्स आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगी। कुछ नहीं है, एक है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं होस्ट के अंदर जो सिक्रीट होते हैं और होस्ट को पैथोजन से बचाने में उनकी मदद करते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, किसके अंतर्गत वो आ जाएंगे, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल। इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो बच्चों, आप सारे लोग जानते हो कि मेरा अभी सब नया नया शुरू हुआ है, ठीक है। मैंने लाइफ में
टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल किया है, ये इसलिए बता रही क्योंकि आप ही तो, आपसे तो बातें करेंगे ना, आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा, आपके थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। तो कुछ मेरी वीडियोस में आपको वॉइस का इश्यूज हो जाएगा, बैकग्राउंड का कुछ में कोई इश्यूज हो जाएगा, लेकिन कंटेंट हम आपको बहुत अच्छा देंगे, इतना यकीन कर लीजिए। जैसे जैसे आपका सहयोग होगा, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मैं, हाँ मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ, तो वैसे वैसे चीज़ें भी सही होती जाएंगी। अभी क्या है, अभी बस कहते हैं ना सिंगल वन, आपकी शानम मैम ही बस आपके लिए काम कर रही है, तो मैं खुद ही अपना पूरा सब देख रही हूँ और मुझे इतना इन चीज़ों में नहीं आइडिया है कि कैसे एडिट करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो वो अपने फेस को बहुत अच्छा क्लियर कर लेते हैं, वो बैकग्राउंड वॉइस हटा देते हैं। मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है और आपके तक अपने जो कंटेंट है उसको पहुँचाना है, बायोलॉजी को पहुँचाना है एकदम आसान करके। तो बस उतना सहयोग कर लीजिए कि हम उस जो हम चाहते हैं उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं, होस्ट डिफेंस में कुछ भी नहीं है, बस आप इतने हेडिंग को याद कर लेंगे। कितना प्रकार का है, दो प्रकार का है, एक स्ट्रक्चरल और एक बायोकेमिकल। स्ट्रक्चरल भी कितने प्रकार का है, दो का है, एक प्री एग्जिस्टिंग और एक पोस्ट एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग में ये पॉइंट लिखे हुए हैं आपके नोट्स में, पोस्ट में ये तीन हेडिंग है, कॉर्क फॉर्मेशन, टायरोसिस एंड गम डिपोजिशन। इसमें भी दो तीन हेडिंग है, हाइपर सेंसिटिविटी, एक है फिनोलिक कंपाउंड निकलता है और एक है फाइटोइलेक्ट्रिन। इतना तो हो गया है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप अच्छे से काम कीजिए। अब आप देख लीजिए मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने शायद पहले जो बताया भी था आपको कि मैं जो है शाहजहांपुर के पड़ोस में एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ब्लू मार्कर भूल आई हूँ अपनी ऑफलाइन की कोचिंग में। नेक्स्ट टाइम से इतना ध्यान रखूंगी हर चीज का। तो आप बस सहयोग कीजिए, आप चीजों को समझिए, और आपने सहयोग तो किया ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सहयोग करते रहिए और पढ़ते रहिए, और हमारी शुभकामना है कि आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छे हो जाएं।